रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध का आज 16वां दिन है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर कई हमले कर रही हैं। इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर जैविक हथियार विकसित करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन की प्रयोगशालाओं में जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन बनाने के रूस के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके देश में कोई रासायनिक या सामूहिक विनाश के लिए अन्य हथियार विकसित नहीं किए गए हैं। आज यानी शुक्रवार की सुबह अपने फेसबुक पर पोस्ट किए गए सबसे नए वीडियो संबोधन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं एक पर्याप्त देश, एक पर्याप्त राष्ट्र का राष्ट्रपति हूँ और 2 बच्चों का पिता हूँ। मेरे देश में कोई भी रासायनिक या सामूहिक विनाश का कोई अन्य हथियार विकसित नहीं किया गया है। इसी दौरान राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस से सवाल भी किया है कि रासायनिक हमले की तैयारी के आरोप क्या है, क्या आपने यूक्रेन का डीकेमिकलाइजेशन करने का फैसला किया है, अमोनिया का उपयोग कर रहे हैं, फॉस्फोरस का उपयोग कर रहे हैं, आपने हमारे लिए क्या तैयार किया है। इससे पहले रूस ने यह दावा किया था कि अमेरिका का नेतृत्व वाले सैन्य जैविक कार्यक्रम के तहत लिविव, खार्किव और पोल्टावा में 30 से अधिक प्रयोगशालाएं खतरनाक संक्रामक एजेंटों के साथ काम कर रही है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अंत में यह भी कहा था कि पूरी दुनिया यह जानती है कि आप जानते हैं कि अगर रूस हमारे खिलाफ ऐसा कुछ करता है तो उससे सबसे ज्यादा गंभीर प्रतिबंधों का जवाब मिलेगा। रूस के इन दावों को लेकर आज यूएनएससी परिषद की एक बैठक भी होनी है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।